हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास 3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो क्यों? थोड़ा तबीयत ख़राब था इसलिए। तो देखिए दोस्तों, आज मेरे पास रिपेयर करने के लिए आए हैं एक जो हम लोग का चाइना टॉर्च है, जो इमरजेंसी के लिए यूज होता है ये टॉर्च। तो देखिए दोस्तों, ये टॉर्च हम लोग का कोई भी ग्लो नहीं कर रहा। देखिए इधर हम लोग का, ये हम लोग का एक सोलर पैनल है। ये हम लोग का कितना वोल्ट आउटपुट करता है मालूम नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं वही चेक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हम लोग का डेड कंडीशन में आया है, तो इसको मैं रिपेयर करना आपको सिखाऊंगा। तो चलिए, मैं पहले इस, ये हम लोग का सोलर के लिए मैंने ये अटका कर रखे हैं इस, तो इसको मैं अभी पहले कट कर देता हूँ। तो इसको मैं कैंची लेता हूँ, तो कस्टमर ने ये सोलर पैनल का अटकाने के लिए यूज किया था। तो ये देख कौन सा, ये भी कोई बात नहीं। चलिए मैं इसको, मैं एक साइड रखता हूँ और इसको पहले आप खोलते हैं। तो इसको पहले खोल लेते हैं। तो देखिए जैसे ये टॉर्च की ऐसा कनेक्शन रहता है, ये जो सर्किट है इस टॉर्च की। तो इसको खोलते हैं अब। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इसको ऐसे जो स्क्रूप लगे हैं, 1 2 3 4 5 सॉरी 4 ही हाँ सॉरी 5 स्क्रूप लगे हैं। तो इसको मैं पहले, तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग का मैंने इसको खोल लिया। तो इसको इस साइड से भी खोल लेते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, इस पे हम लोग का कौन सा बैटरी यूज किया है दोस्तों? तो देखिए, ये हम लोग का मोबाइल का बैटरी इस पे यूज किया है। देखिए तो ये हम लोग का मोबाइल का बैटरी, और ये जो हम लोग का सोलर पैनल का जो है, तो देखिए ये हम लोग का डिसोल्डिंग कर दिया इस अंदर से। देखिए आप, इस जगह पे हम लोग का जो सोलर का पैनल का जो वायर है, इसको हम लोग को डिसोल्डिंग कर दिया है। तो कोई बात नहीं, तो इसको मैं, इसको आपको रिपेयर करना सिखाऊंगा। तो इसका अंदर हम लोग का बैटरी रहता है क्यों दोस्तों? जो हम लोग का बैटरी भी फूल चुका है, कोई बात नहीं। तो ये मैं इसको निकाल देता हूँ बैटरी को। इससे हम लोग का सोलर पैनल से भी चार्ज हो जाएगा। ये हम लोग का, मान के चलिए हम लोग का बिजली तिजली अभी है नहीं घर पे, जो हम लोग का बारिश तारिश आता है ना, तो ये बिजली 2 दिन चला गया। तो ये हम लोग का रोड धूप पे रख के अब इसको चार्ज कर सकते हो आसानी से बैटरी, ये टॉर्च को। तो ये हम लोग का सिस्टम दिया है इस पर। देखिए दोस्तों, ये जो सोलर पैनल है ना, ये हम लोग का कितने 3 पॉइंट के ऊपर ही हम लोग का आउटपुट करता है वोल्टेज, किंतु एम्पेयर कम है इसको। तो इसको, ये हम लोग का 2 बैटरी का है और 2 हम लोग का सोलर पैनल का। तो चलिए पैनल का देखते हैं, इसको सोल्डरिंग करके ये हम लोग का वोल्टेज सही दे रहा है ना नहीं। तो चलिए मैं इसको, इस कौन सा माइनस प्लस है कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ अच्छा से। तो ये हम लोग का प्लस ही है। ये हम लोग का प्लस हो सकता है, क्यों? हम लोग का ब्लैक हम लोग का सभी में माइनस पे यूज करते हैं, तो कोई बात नहीं। मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए तो इस जगह पे देखिए 2 हम लोग का कनेक्शन है, इस जगह पे मैं एक प्लस और एक
माइनस के निशान है इस पर, तो इस पर निशान तो नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, तो मैं इसको सोल्डिंग कर देता हूँ। तो इसको अब, तो ये हम लोग का ज़्यादातर नेगेटिव ही होता है, तो मैं इसको जैसे था मैं उस साइड से मैं कनेक्शन कर दे रहा हूँ इसको। तो देखिए दोस्तों ये हम लोग का हो गया, तो इस जगह पे हम लोग का देखिए दोस्तों ये हम लोग का है, तो मैं इसको एक मल्टीमीटर लेता हूँ, तो वोल्टेज मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको सोलर पैनल की वोल्टेज कितना आउटपुट कर रहा है इस पर। तो मैं अभी तो धूप में नहीं हूँ इसलिए हम लोग का इतना पॉइंट अभी दिखा रहा है, तो मैं देखिए इस समय इस सेट करूँगा तो और भी वोल्टेज दिखाएंगे। देखिए मैं अभी जो हम लोग का LED बल्ब है ना उसका ऊपर में लेके जा रहा हूँ, तो ये हम लोग का इतना वोल्ट अभी आउटपुट कर रहा था, धूप पर हम लोग का 3.4 पॉइंट आउटपुट करेगा वोल्टेज, तो ये हम लोग का सही है दोस्तों। तो इस पर हम लोग का क्या बैटरी यूज करेंगे दोस्तों, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको बैटरी। तो देखिए दोस्तों मेरे पास तो अभी बैटरी है नहीं, और ये टॉर्च पे बैटरी कौन सा यूज हो रहा था दोस्तों, तो आप तो देखिए दोस्तों ये हम लोग का जो मैं इस पर हम लोग का जो यूज हो रहा था ये हम लोग का बैटरी, तो लेड एसिड का बैटरी है ये, तो आपको पता है क्या बोले हमें वो बैटरी देखे हैं, देखे होंगे किंतु आपको मालूम नहीं है, तो मैं दिखाता हूँ एक मोबाइल पे। तो देखिए ये लेड एसिड नाम है इसका बैटरी का, तो मैं ऑनलाइन ही पे दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये ऐसे बैटरी को देखने में लगता है, देखिए ये हम लोग का, देखिए ये हम लोग का बैटरी है 4 वोल्टेज की है 1.5 एम्पियर का, तो ये हम लोग का लेड एसिड बैटरी का है नाम। तो इसका जगह पे जो मोबाइल का बैटरी आप देखे हैं इस जगह पे, देखिए मैंने इस बैटरी खोले तो वह हम लोग का बैटरी क्यों फूला था मैं भी उसको जवाब देता हूँ। तो मान के चलिए दोस्तों इस पर हम लोग का जो हम लोग का ये हम लोग का जितना वो हम लोग का बैटरी जो था ना उस पर हम लोग का ये चार्ज करने के लिए ज़्यादा वोल्ट व ज़्यादा एम्पियर की ज़रूरत पड़ता है वो बैटरी चार्ज करने के लिए, और जो हम लोग का मोबाइल का बैटरी है तो ये हम लोग का काज एम्पियर कमी में चार्ज हो जाता है, किंतु हम लोग का वो फूला क्यों ज़्यादा एम्पियर व ज़्यादा वोल्ट की इस वजह से हम लोग का बैटरी फूला। तो काफ़ी बार बोलते हैं कि दोस्तों देखिए ये हम लोग का है जो हम लोग का लेड एसिड बैटरी था, और जो हम लोग का जो ये लिथियम आयन बैटरी है इस जगह पर हम लोग लगा सकते हैं, नहीं क्यों नहीं, इस पर हम लोग का एम्पियर ज़्यादा आता है वोल्टेज ज़्यादा आता है, तो ये हम लोग का डायरेक्टली चार्ज होता है इस पर, तो यहाँ हम लोग का मोबाइल का चार्जर से भी हम लोग चार्ज नहीं होगा, क्यों वो हम लोग का दूसरा मॉड्यूल लगाना पड़ता है उस पर भी, तो ये हम लोग का चार्ज करने के लिए। ऐसा ये बैटरी कभी भी मत लगाइए, ये हम लोग का डायरेक्टली ये हम लोग का ब्लास्ट भी हो सकता है, ये खतरा मोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं इस पर मैं बैटरी नहीं लगाना सिखाऊंगा दोस्तों, अभी मेरा पास बैटरी अभी है नहीं, इसलिए तो मैं बैटरी मार्केट से मैं लेकर आऊँगा तब जाके मैं इस पर बैटरी लगाना सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतना, वीडियो जैसे अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों।